नावी एप्लीकेशन में जो आप लोग के पास पैसा आता है तो उसे कैसे हमें विड्रॉ करना है सही तरीके से आज के इस वीडियो में आप लोग को पता चलेगा। यदि आप लोग थोड़ा भी कुछ मिस्टेक करते हो तो आप लोग का क्या होता है, नावी एप्लीकेशन का पैसा आप लोग का डूब सकता है या फिर लॉस हो जाएगा। तो इसलिए बोलता है वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देख लो यदि तुम लोग सही से नावी एप्लीकेशन से पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो। सबसे पहले तुम लोग नावी एप्लीकेशन को ओपन कर लो, उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से तुम लोग का पैसा यदि गोल्ड में रखा हो या फिर तुम लोग का पैसा म्यूचुअल फंड में रखा हो, किसी में भी रखा हो, तो आप लोग यहाँ से इजीली पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, नावी एप्लीकेशन को पर आप लोग को क्या करना है, यहाँ रिवॉर्ड्स के सेक्शन में मैं आ जाता हूं, आप लोगों को कुछ शो कर देता हूं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना पैसा मैंने कमाया अभी तक। और यहाँ से नावी एप्लीकेशन से पैसा निकालने के लिए सबसे पहले एड यूपीआई आईडी आप लोग का ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे देखते हो एड यूपीआई अकाउंट, यहाँ पे जाकर यूपीआई अकाउंट को डाल देना। ठीक है, ये तो आप लोग के लिए सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद आप लोग को माई इन्वेस्टमेंट का सेक्शन में आना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट का सेक्शन देख सकते हो, इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या मैं आप लोग इन्वेस्टमेंट करके रखे, जैसे कि मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड में डाल के रखा हूँ पैसा, तो मेरा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट में आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग के सामने व्यू इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन शो करेगा, तो यहाँ से व्यू इन्वेस्टमेंट में जाके आप लोग को देखना पड़ेगा कि कितना पैसा है अभी आप लोग के पास। मेरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है 10 रुपीज़ और बाकी सारा पैसा मेरे पास गोल्ड में है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल में क्लिक करके रख देना। ठीक है, क्योंकि जेन्युइन अर्निंग एप्लीकेशन का वीडियोस हमारे चैनल पे ही मिलेगा, आप लोग को कहीं और देखने को नहीं मिलता। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि आप लोग को रेगुलर 500 से 1000 रुपये डेली कमाना है तो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को बता देते हो वीडियोज़ के सेक्शन में आ जाना, और यहाँ पे मैंने बताया कैसे आप लोग नावी एप्लीकेशन से पैसा कमा सकते हो। ठीक है, मेरा वीडियोज़ का सेक्शन में मिल जाएगा, फिर मैं डायरेक्ट लिंक आप लोग को दे दूंगा। यहाँ से विंजो एप्लीकेशन को स्टार्ट करके दिखाते हो, ओपन करके दिखाते हो, यहाँ से कैसे मैं विंजो एप्लीकेशन से सिंपली 500 रुपये डेली विड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले आप लोग को प्रूफ दिखाऊंगा। विंजो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से बहुत इजी इजी गेम्स को आपको खेलना है, गेम खेल के आप लोग पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे अर्निंग का सेक्शन में मैं जाकर दिखा देता हूँ मेरा ट्रांजेक्शन। माई ट्रांजेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 500 रुपये मैंने विड्रॉ किया था, उसमें 25 रुपये टैक्स काटा, बाकी 475 मेरे अकाउंट में एंटर हो जाता है, मतलब अकाउंट में चला आता है। ठीक है, तो ऐसा करके मैंने यहाँ से देख सकते हो कितना विड्रॉ किया अभी तक। आप लोग यदि घर बैठ के कमाई नहीं की हो तो आज की इस वीडियो देखने के बाद आप लोग कमाई करने लग जाओगे। ठीक है, तो विंजो एप्लीकेशन का लिंक मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लो और गेम खेलो। ठीक है, गेम खेलने के बाद आप लोग को पैसा मिलते रहेगा। उसके बाद आप लोग रस एप्लीकेशन को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ में जैसे आप लोग 20 रुपये ऐड करोगे रस एप्लीकेशन में तो आप लोग को 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो रस एप्लीकेशन का भी लिंक मैं नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों से आप लोग पैसा कमा सकते हो। दोनों में काम करोगे तो आप लोग इजीली 500 रुपये डेली का कमा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे नवी एप्लीकेशन में वापस आते हैं, और जैसे कि आपको बताया कि रिवॉर्ड्स के सेक्शन में जाकर अपना UPI ID को ऐड कर लेना सबसे पहले। उसके बाद आप लोग को जो भी इन्वेस्टमेंट में होगा पैसा तो उसे हमें सबसे पहले सेल करना पड़ेगा। तो आप लोग को इन्वेस्टमेंट का सेक्शन शो कर रहा है, उसमें आपको क्लिक करना, और यहाँ से शो करेगा आप लोगों का कहाँ में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। म्यूचुअल फंड में मेरा 10 रुपीज़ है और बाकी डिजिटल गोल्ड में 20 रुपीज़ है। तो यहाँ से मुझे म्यूचुअल फंड को सेल करना है तो उसमें कैसे करना है, और डिजिटल गोल्ड को सेल करना है तो वो कैसे करना है, दोनों में बताने वाला और कैसे पैसा आपके अकाउंट में सही तरीके से चला आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड में यदि निकालना चाहते हैं पैसा को उसमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हो आप लोग इन्वेस्टमेंट है मेरा 10 रुपीज़। आप लोग को फिर से यहाँ से क्या करना पड़ेगा, व्यू इन्वेस्टमेंट में जाके आप लोग को फिर यहाँ पे जाके सेल करना पड़ेगा। चलो मैं व्यू इन्वेस्टमेंट में जाता हूँ, उसके बाद यहाँ से आप लोग को सही से दिखाई मिल जाएगा। फिर आप लोग को एक और बार टैप करना है, उसके बाद यहाँ से ऐसा इंटरफेस खुल के चलाएगा। तो यहाँ से आप लोग को सेल करने के लिए नीचे में सेल का बटन आ रहा है, तो और इन्वेस्ट मोड, ये दोनों में से आपको सेल में क्लिक करना पड़ेगा ये आप लोग को म्यूचुअल फंड को बेचने के लिए। तो सेल में हम क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ से आप लोग कितना, यदि आप लोग यूनिट्स में खरीदे हैं तो यूनिट्स में बेच सकते हैं, जैसे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया। यदि आप लोग अमाउंट पूरा निकालना चाहते हैं तो अमाउंट यहाँ पर डाल के निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं अमाउंट ही डाल के निकालूंगा, ये ईजी होता है पैसा निकालने के लिए। तो आप लोग भी अमाउंट ही डाल देना कितना अमाउंट आप लोग को निकालना है। यदि आप लोग सारा पैसा निकालना चाहते हो तो नीचे में ये एक ऑप्शन और दिखाई मिल रहा है, विड्रॉ टोटल वैल्यू। तो आप लोग विड्रॉ टोटल वैल्यू में क्लिक करोगे तो आप लोग का यहाँ से सारा पैसा जितना भी होगा इन्वेस्टेड वो सारा पैसा यहाँ से सेल हो जाएगा। तो नीचे में सेल में क्लिक करना होगा, लेकिन एक दिन का अंदर आप लोग का टाइम लगेगा। ठीक है, इसके बाद कन्फर्म में क्लिक करना है। ठीक है, डू यू वॉन्ट टू सेल, कन्फर्म में क्लिक करने के बाद एक OTP आएगा, OTP मोबाइल नंबर पर आएगा, वो यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद आप लोग का ये जो है म्यूचुअल फंड सेल हो जाएगा। ठीक है, फिर वो सारा पैसा आप लोग के यहाँ पे आ जाएगा, रिवॉर्ड्स के सेक्शन में आ जाएगा, या फिर आप लोग डायरेक्ट वॉलेट्स में जाकर चेक कर सकते हो, उससे फिर विड्रॉ कर लेना जो भी UPI ID आप लोग ने ऐड किया था। ठीक है, अभी यहाँ से चलो किसी को गोल्ड में पैसा है तो उसे कैसे निकालना है, सेम प्रोसेस है। आप लोग को इन्वेस्टमेंट में जाना है, वहाँ से आप लोग को गोल्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट में आते हैं, चलो आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ से डिजिटल गोल्ड में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप लोग का सामने ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोग को यहाँ से थोड़ा सा नीचे आना है, फिर सेल गोल्ड का बटन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग के सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के चलाएगा। ठीक है, यहाँ पे जितना भी आप लोग के पास पैसा है, जितना पैसा का गोल्ड है, सारा अमाउंट यहाँ पे डाल दो। डाल देने के बाद आप लोग कंटिन्यू में क्लिक करना, यहाँ से आप लोग का जो भी गोल्ड है सारा सेल हो जाएगा। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड को सेल करते थे वैसे गोल्ड को भी सेल कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग का जो भी UPI ID ऐड किए हैं उसी में आप लोग जाके विड्रॉ ले लेना, इंस्टेंटली पैसा आप लोग के अकाउंट में चला आएगा।